अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मैं आपके साथ जिस चीज़ का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, वो है हमारा ये डॉक्टर राशेल का लॉन्ग लास्टिंग UVA UVB प्रोटेक्शन सिस्टम, सनस्क्रीन वाइटनिंग सीरम बाय डॉक्टर राशेल, SPF 75++++। ये जो प्लस 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 है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसका मतलब होता है कि इसमें इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा है, रेंजेस वेरी वाइड। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं 150 ml की इसमें अंदर प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट करता है प्रीमेच्योर स्किन एजिंग से, वाइटनिंग, सन प्रोटेक्ट करता है, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। 150 ml की बॉटल है, और जैसे मैंने आपको बताया ट्यूब की शेप में ये आती है, और प्राइस इसकी बहुत रिजनेबल है, आपको अंडर 500 rupees का ईजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है। अब बेनिफिट्स इसके ये जो ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इट कंटेन्स नाइसिनामाइड, विटामिन B3 एंड हाइलुरोनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विच मेक्स इट अ यूनिक फार्मूला फॉर ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। नाइसिनामाइड इज प्रूवन टू श्रिंक पोर्स, स्लो डाउन ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, रिपेयर सन डैमेज, स्लो डाउन साइड्स ऑफ लाइन और रिंकल्स। ये बात करते हैं नाइसिनामाइड के बारे में, ठीक है। ये इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जो आप खुद लेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके पढ़ लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन आप सब में इसलिए शेयर नहीं करी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इसको यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। डायरेक्शंस आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अकॉर्डिंगली एट द दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ स्किन केयर, स्प्रेड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द फेस एंड बॉडी दैट आर लाइकली टू बी एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेज, रिपीट एप्लीकेशन एवरी 2 hours, हर 2 घंटे के बाद। जितनी गर्मी पाकिस्तान और इंडिया वाले साइड पर पड़ रही है, आपको सनस्क्रीन को हर 2 घंटे बाद रिफ्रेश करना है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि जब हम सुबह उठते हैं फजर के टाइम, तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम 10-11 बजे अगर सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं तो हमें 2 बजे धोनी पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि हमने वज़ू करना होता है। फिर उसके बाद हमें 5 बजे धोनी है, क्योंकि हमने वज़ू करना है। फिर दोबारा से लगाएं, क्योंकि 7-8 बजे तक तो 7 बजे तक तो सूरज की तपिश रहती है, लेकिन 6 बजे तक ही आप लगा लें। लेकिन तो इसका मतलब है हमें 2 से 3 बार एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपको इसको हर 2 घंटे बाद इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए लगाना है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो है मतलब एक तो स्किन बिल्कुल 100% स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा वज़ू भी हो जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से ये खुलता है, ठीक है। और इसकी जो क्रीम, ये देखिए निकल आई है, बल्कि इसकी जो क्रीम का टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल जो रिवाज चुके का सन ब्लॉक है उससे मिलता है। लेकिन रिवाज का जो सन ब्लॉक है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट छोड़ता है, जबकि ये बिल्कुल भी जो ज़्यादा है ना वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ अप्लाई करके, अभी यहाँ पर ये देखिएगा, ये बहुत ये अब्जॉर्ब नहीं होता स्किन में, लेकिन अप्लाई बहुत ईजी से हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं लगता, फेस के ऊपर। लेकिन हाँ, ऑयल इसने छोड़ा होता है, थोड़ी सी देर बाद ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है ये। लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका वेट बहुत लाइट है। जो रिवाज का था ना, होता है ना, वो थोड़ा सा थिक होता है, यानी जो न्यूट्रोजेना का है वो भी थोड़ा थिक होता है। इसका क्या है कि ये बहुत लाइट है, आप देखें कितनी ईजीली अब्जॉर्ब हो गया, हल्की सी इसने कास्ट दी है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी अच्छा है प्रोटेक्टेंट, और सबसे अच्छा मुझे इसका फॉर्मूला लगा, क्योंकि बिल्कुल भी आपके फेस पे वजनी नहीं लगता। और अगर आप स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़की हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाली गर्ल हैं, तो जब ऑफिस जाना होता है, तो आप इसको जब फेस पाउडर लगा के सेट करेंगे तो ये परफेक्टली आपकी स्किन पे सेट हो जाएगा। और अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको इवन स्किन को मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं, ये वाकई स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। तो ये इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू था, जो मैंने आपसे देना था, मेरी तरफ से प्रोडक्ट 100% रिकमेंडेड है। बाकी आप अपने इसको लाएं, इसको लगाएं, अपनी स्किन पर लगा के चेक कर लें, आपको सूट करता है तो करें, लेकिन डॉक्टर राशेल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। आपको पता है एक टाइम था जब इसके विटामिन सी सीरम्स जो थे उसकी कितनी हाइप क्रिएट हो गई थी, तो अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यही था जी आज का मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट डॉक्टर राशेल सनस्क्रीन वाइटनिंग SPF 75
पी ए प्लस प्लस प्लस। और एक लास्ट रिकमेंडेशन और करती जाऊँगी कि 60 SPF से ऊपर का ही आप, या 60 या उससे ऊपर का, इससे कम का आपने बिल्कुल नहीं लेना। बस भी बीबी क्रीम जो है वो 30% 30 SPF दे रही होती है, और हम लोग उसको लगा के कहते हैं हाँ हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो गई। जितनी स्किन को बर्न करने वाली गर्मी पड़ रही है, सनस्क्रीन जो है वो आपको SPF 70 और 70 60 70 75 PA++++ ही लेना है। तो जी ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इतनी गर्मी में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।